अपने पिता से अलग राह पर चल दिए हैं सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर। दरअसल अरुण राजभर की एक प्रतिक्रिया सामने आई है जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सियासत में ये चर्चा हो रही है कि अरुण अपने पिता ओम प्रकाश राजभर से अलग राह में नजर आ रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार से एक मांग रखी है। आपको बता दें कि धर्मांतरण पर आधारित और राजनीतिक विमर्श को ध्रुवीकरण करने वाली फिल्म द केरला स्टोरी को भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मंगलवार को टैक्स फ्री कर दिया गया। वहीं कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने फिल्म में नफरत और कथित तौर पर बढ़ावा नफरत को दिए जाने को लेकर इसकी आलोचना की है। हालांकि बीते कुछ दिनों से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके बेटे अरुण राजभर उनसे अलग राह पर दिख रहे हैं। आपको बता दें कि केरला स्टोरी पर अरुण राजभर ने ट्वीट करके द केरला स्टोरी गंभीर विषय है, इसे सामान्य ना ले, फिल्म के कुछ संवाद जैसे हमारे मिशन के लिए लड़कियों को करीब लाओ, उन्हें खानदान से जुदा करो, जिस्मानी रिश्ते बनाओ, हो सके तो प्रेग्नेंट कर दो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हैंडओवर करो, ऐसे अनेक संवाद हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे, आगे उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। लेकिन पूरी फिल्म की सच्चाई एक संवाद में छुपी है। एक लड़की दहशतगर्दों से बचकर अपने पिता से माफी मांगते हुए कहती है कि हमारे इन हालातों के जिम्मेदार आप भी हैं जिन्होंने बचपन से ही हमें पाश्चात्य और बाहरी संस्कार दिए, कभी भी हमें अपने धर्म के बारे में नहीं सिखाया। मुझे लगता है इस फिल्म को केंद्र और राज्य सरकारों को लड़कियों और महिलाओं के लिए निशुल्क कर देना चाहिए क्योंकि ये कोई सामान्य विषय नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट में घोषणा की गई कि द केरला स्टोरी को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाएगा। आपको बता दें कि उनके सूचना निदेशक ने कहा कि केरला स्टोरी को उत्तर प्रदेश में मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 12 मई को लखनऊ में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे। वहीं उत्तराखंड के अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में ये फिल्म मुक्त की जाएगी। जी हाँ, तो केरला स्टोरी को लेकर जहां एक तरफ अरुण राजभर बीजेपी के पक्ष में दलील देते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का इन दिनों विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पिता और पुत्र की राहें कहीं ना कहीं अलग होती दिख रही हैं विचारों के माध्यम से, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अरुण राजभर और ओपी राजभर अलग अलग राहों पर अपनी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।